हाउ डू वी एग्जामिन अवर फीट एट होम? स्टेप वाइज हमें बता दें भी हम क्या करें, कैसे करें। देखिए, पहले तो इम्पोर्टेंट समझनी है कि पैरों की हमें चेक करना क्यों चाहिए। जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा तो आप ये नहीं समझोगे कि पैर चेक करने क्यों है। तो कैसे करें, करने से पहले ये समझना है कि करने क्यों चाहिए। देखिए, डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी एक एंटिटी होती है जिसमें पैर सुन्न हो जाते हैं। आपकी भाषा में बताएं कि पैर बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं। कई तरह की कंप्लेंट्स होती हैं, टिंगलिंग, नंबनेस, पैरासीजियाज, पिन सेंसेशन, उसको ऐसे लगता है जैसे कीड़ियां चल रही पैरों में, सुन और ऐसे लगता है पैर मेरे जो है वो कॉटन के ऊपर है, या आइस लग गई पैरों को, या बिजलियां लगती हैं, या करंट लाइक शॉक लगते हैं। ये सेंसेशंस जो होती हैं ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी बताती है। लेकिन ये सिर्फ 40% केसेस में होती हैं। 60% केसेस के अंदर दिस इज एब्सोल्युटली एसिम्टोमेटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी टाइप 2 डायबिटीज, जो यूजुअली कॉमन टाइप ऑफ वैरायटी डायबिटीज होती है, उसमें ये 20-30% तो एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस ही होती है, राइट? इवन फ्रॉम द प्री डायबिटीज यू कैन हैव दिस डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो एक तो आपकी नर्व की सेंसेशन खत्म हो गई या वो बहुत कम हो गई। जैसे भी आप नर्व की सेंसेशन, पेन इज वेरी इंपॉर्टेंट गिफ्ट। अगर आप चल रहे हो, अगर आप नॉर्मल आपकी सेंसेशन है, आप चलते हैं, तो आपको पता लगेगा एक छोटा सा कंकड़ आपके पैर में आ जाए या आपके जूते के अंदर चला जाए, तो इमीडिएटली यू विल स्टॉप एंड यू विल रिमूव योर शूज एंड थ्रो आउट दैट कंकड़ और दैट स्टोन फ्रॉम आउट और द फॉरन बॉडी फ्रॉम योर शू एंड देन यू वियर बैक एंड देन यू वॉक अहेड। तो एक स्टेप भी आप नहीं चलते, लेकिन डायबिटीज का पेशेंट उस कंकड़ पत्थर के साथ लगातार चलता रहता है। हमारे पास कई बार पेशेंट आते हैं जिसमें द नेल हैज गॉन थ्रू द आउट सोल एंड फ्रॉम दैट गॉन इनसाइड द फीट एंड इट इज स्टकिंग देयर एंड वी हैव टू रिमूव दैट चप्पल और दैट शूज अलॉन्ग विद दैट नेल। तो ऐसा बहुत बार होता है कि उनको उस घाव के ऊपर, उस सुई के ऊपर, उस नीडल के ऊपर वो चलते रहते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं लगता। तो इसका मतलब डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी एक ऐसी कंडीशन है जो आपको कभी भी ब्लफ कर सकती है और ये इस तरह से आपको डैमेज कर सकती है कि आपके पैर बिल्कुल खत्म हो सकते हैं, एम्पुटेशन में भी जा सकते हैं। तो ये बहुत कॉमन है। इसके साथ इसकी ब्लड सप्लाई भी कम हो जाती है और फिर अगर आपके पैर में कोई डिफॉर्मिटी है, जैसे कई बार जो अंगूठा बड़ा है वो साइड में हो गया, या समटाइम देर आर आपकी जो कनकेविटी है दैट इज ऑन हायर साइड और आर्च इज ऑन हायर साइड और एंकल इज इवर्टेड और सुपिनेशन और प्रोनेशन में एंकल चला गया है और क्लॉट हो, हैमरटोज हैं, बनियंस बनते हैं आपको, या आपका आपका सिटिंग आपकी ऐसी है चौकड़ी मार के बैठते हैं जैसे टेलर्स वगैरह होते हैं, चौकड़ी मार के बैठते हैं, तो आपको ये डिफॉर्मिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो न्यूरोपैथी, वेस्कुलोपैथी एंड डिफॉर्मिटी, ऑल दीज थ्री कैन लीड टू प्रॉब्लम, कैन लीड टू कैलस फॉर्मेशन, कैन लीड टू अल्सरेशन एंड कैन लीड टू प्रॉब्लम। दिस अल्सरेशन कैन इनफेक्ट इन्फेक्शन कैन बी देयर एंड देन यू कैन हैव ऑस्टियोमाइलाइटिस एंड एम्पुटेशन। सो इफ यू वांट टू प्रिवेंट दिस दिस कैटास्ट्रोफिक इवेंट, इफ यू वांट टू प्रिवेंट, यू हैव टू टेक केयर, यू हैव टू चेक योर फीट डेली। तो कैसे देखा जाए? बेस्ट इज टू हैव ए मिरर। आपको आगे झुक के पाओं को देखना इम्पॉसिबल है, मोड़ के देखना भी इम्पॉसिबल है, और अगर आप थोड़े से भी ओबीस हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल है, और एल्डरली हैं तो उनके लिए और मुश्किल है। बेस्ट टू हैव ए मिरर जिसको आप पाओं के आगे रखिए और मिरर से आप उसकी शेडो देख, बड़े आराम से उसकी मिरर इमेज देख सकते हैं। क्या देखना है आपको? 3 जगह देखनी है आपको। प्लांटर सरफेस देखना है, आपको डॉर्सल सरफेस देखना है और इन बिटवीन द वेब स्पेस देखना है, बस और कुछ नहीं करना। आपको यहाँ क्या देखना है? प्लांटर सरफेस पे कहीं कोई रंग चेंज तो नहीं हो रहा, येलो, ब्लू, ग्रीन और ब्लैक, ओके। देन आपको देखना है कहीं से कोई मोटा हिस्सा तो नहीं हो गया, ठीक है, बस। उसके उंगलियों के बीच में देखना है कहीं कोई गीलापन तो नहीं आ रहा, कहीं कोई व्हाइटनेस तो नहीं आ रही। फिर आपको नेल्स देखने हैं कि इनकी थिकनेस बढ़ती तो नहीं जा रही, कोई नेल अंदर घूम तो नहीं गया। देन ऑन डॉर्सल सरफेस अगेन यू हैव टू सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर हेयर्स एंड ऑल्सो कोई आपकी मांसपेशियां कमजोर तो नहीं होती जा रही, पतली तो नहीं पड़ती जा रही, कहीं अंदर से जो ये जो धागे हैं, रेशे हैं मांसपेशियों के, ये बढ़ने और उभरने तो नहीं लग गए। दैट्स ऑल, यू हैव टू सी दैट मच। अगर आप ये देखते हैं अपने डॉक्टर को इमिडिएटली बताइए। फिर आपको क्या करना है डेली? अब आपका पैर बिल्कुल ठीक है, इट्स एब्सोल्युटली हेल्दी, देर इज नथिंग कलर चेंज और नो नो अबनॉर्मेलिटी, देन यू हैव टू टेक पैरों को रोज रात को सोने से पहले ल्यूक वार्म वाटर से आपने उसको वॉश करना है।
तो वाटर का टेम्परेचर चेक बहुत इंपॉर्टेंट है। आइदर यू टेक कैन टेक इट ए थर्मोमीटर और आप अपने हाथ से या एल्बो से, समटाइम इट्स ए ग्लव एंड स्टॉकिंग टाइप ऑफ न्यूरोपैथी, आपके हैंड्स भी इन्वॉल्व होते हैं, तो आपको एल्बो से टेम्परेचर चेक करना है कहीं ज्यादा गर्म पानी तो नहीं है। उससे आप पैर धोइए, सिंपल आप टॉवल से प्रॉपरली उसको क्लीन कीजिए, क्लीन करके उंगलियों के बीच में आपने सुखाना है, लेकिन बी जेंटल क्योंकि ये जो जो स्किन होती है इट इज वेरी जेंटल, आप इसको ज्यादा खींचेंगे तो इट कैन टियर, इट कैन क्रिएट, देयर कैन बी फिशर्स ऑल्सो, लेकिन ये उंगलियों को आपको क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ मॉइस्चर रह जाएगा यू कैन हैव फंगल इन्फेक्शन देयर एंड दैट कैन बी ए ट्रिगरिंग पॉइंट फॉर फर्दर इन्फेक्शन एंड देन एब्सेस कैन बी फॉर्म। देन आपको आपने एक सिंपल कोई आप पेट्रोलियम जेली या कोई क्रीम आप सिंपल आप उसको स्मियर करेंगे ताकि फीट का दोनों पैरों का मॉइस्चर मेंटेन रहे, क्योंकि ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी कैन लीड टू ड्राइनेस, एनहाइड्रोसिस, कैन लीड टू क्रैक्स एंड दीज क्रैक्स एंड फिशर्स कैन गेट इन्फेक्टेड एंड यू कैन हैव प्रॉब्लम्स। सो आपने उनको ड्राई, उनको आपको मॉइस्चर देना है, उंगलियों के बीच में मॉइस्चरिंग क्रीम नहीं लगानी। बेटर ये रहता है ये करने के बाद आप सॉक्स पहन के सोइए। मैं यही कहता हूँ बहुत सारे पेशेंट को कि सॉक्स पहन के सोइए, क्योंकि रैट बाइट भी होता है, रात को कई बार चूहे भी काट जाते हैं, बहुत सारे जो लेबरर्स वर्कर्स होते हैं उनके घरों में वो फ्लोर पे सोते हैं, तो मेरे पास कई बार पेशेंट आता है कि चूहा काट गया और उनको पता ही नहीं लगता, क्योंकि योर ब्लड इज स्वीट, यू आर हैविंग डायबिटीज, योर ब्लड इज स्वीट और यू आर हैविंग नंबनेस और आपको बिल्कुल इनसेंसेट फीट है, यू विल नॉट बी एबल टू नो कि आपको कहीं कोई चूहा काट रहा है। तो आप जो जुराब पहन के सोइए, दैट्स ऑल व्हाट यू कैन डू सिंपली, एंड डोंट डू एनी एनी सर्जरी एट होम, कॉर्न कैलस नेल कटिंग ये प्रॉपर मेथड है, वी कैन गो अहेड विद दैट ऑल्सो।